ज़्यादा करती हूँ. हाल ही में मुझे पता चला है आफ्टर डूइंग दिस सॉन्ग कि मेरा इंटरेस्ट डांस में बहुत ज़्यादा है. पहले मैं बहुत शाय थी बट अभी बहुत ही ज़्यादा खुल नहीं चुकी. अभी टाइम है, ये तो पहला गाना है डांस नंबर मेरा. एक और मैंने बहुत बड़ा गाना शूट ऑलरेडी किया है, मूवी सॉन्ग है बट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो भी डांस नंबर ही है. मैंने एंजॉय बहुत किया बट यहाँ पे लोगों को पता नहीं है मैंने एक्चुअली ये गाना 102 डिग्री में शूट किया है. मेरा ऑक्सीजन 60 पे ड्रॉप हो गया था. मेरे मेकअप आर्टिस्ट को पता है ये बात बट इन स्पाइट ऑफ दैट मेरा कमिटमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं सेट पे मरूँ बिकॉज दैट्स माई पैशन. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैंने कुछ ड्रामा नहीं किया क्योंकि मुझे इतना पसंद आया ये गाना और हुक स्टेप भी मुझे बहुत अच्छा लगा. सब कुछ इट वॉज सो परफेक्ट. तो फॉर मी इट वॉज लाइक आई हैव टू गिव माई 200%. मैंने बहुत एंजॉय किया. जी जी छोरी में काफी कैची लाइन लग रहा है. जी जी जब आपको पता चला कि छोरी पे आपको परफॉर्म करना है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या रिएक्शन रहा? काफी कैची गाना, कैची सॉन्ग है, हाँ. मैंने देखा नहीं कि सिंगर कौन है, मेरे साथ कौन है या कौन सा लेबल है. मुझे गाना इतना ज़्यादा प्रभावशाली लगा कि ऑटोमेटिकली मैं अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो गई. आई वाज लाइक मुझे ये करना ही करना है. मेरा सवाल दानिश भाई से है. दानिश भाई, ये आपके बैंक से गाना है कि आपको नरेशन दिया गया था, इस तरह से गाना चाहिए? नहीं नहीं, ये मतलब मेरे दिमाग में. अच्छा, आपको मेरे गाने पता ही होगा, डिंग डंग करती है तो पलट के ध्यान किधर है, तो खुराफाती दिमाग है वो सब चलता रहता. तो छोरी भी दिमाग में आ गई, तभी वैसे बोला तो कंफर्म हो गया कि छोरी गए, छोरा भी मार डालेगा. ये फ्लेवर एक्चुअली दिस यू नो दिस सॉन्ग है जो का फ्लेवर ऑफ साउथ, एक्चुअली साउथ का थोड़ा सा फ्लेवर रहता है. नाउ एवरीथिंग आर टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया, सो यू रियली वांट टू यू नो कैप्चर दैट क्वेश्चन आल्सो, सो इसीलिए वो फ्लेवर है. एग्जैक्टली, इवन आफ्टर हु अंटा मामा, इट वाज अ लाइक हिंदी में शायद वो बाद में रिलीज़ हुआ था उसका ऑडियो, बट वीडियो ऑलरेडी पैन इंडिया हिट हो चुका था पुष्पा से. तो या अब तो आई गेस अब तो पूरा पैन इंडिया ही हम चल रहे हैं, एंड इवन वी आर टारगेटिंग पैन इंडिया. मे बी अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको भी शायद दानिश भाई तेलुगू में या तमिल में कन्वर्ट करके रिलीज़ करेंगे ऑडियो. वो छोरा हमारा नाला. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मतलब मुझे भी अभी ये पता चला है कि शी वॉज वर्किंग इन अ हाई फीवर, बट बहुत हमने बहुत ईजली शूट किया, हमें पता भी नहीं चला. एंड वी वर लाइक प्रोडक्शन वॉज ऑल सेट, सब सेट था. वी वर रिहर्स्ड बिफोर. एक दिन में शूट किया है गाना हमने, है ना? 18 आवर्स नॉन स्टॉप शूट किया है, वो अलग बात है. और या और रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो फिर वो पिछले क्या अप्स एंड डाउन्स मैटर ही नहीं करते आई गेस, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारा काम यही है कि हम अपना जो भी दे 110% दें, नॉट इवन 100%. तो आई गेस वो निक्की ने भी दिया है, मुझे दिखा है, हम सब ने पूरी मेहनत करी है. आई होप जनता को ये पसंद आए. बिल्कुल. How responsible you feel also, ye, you know, khas karke music album se, music label se, how do you think of, out of, you know, taking this thing forward? So, we have been with the films and entertainment background, so I've been very lucky and blessed to be born into this family. We have a lot of famous films in the past, but when it comes to music, I have always been a fan of music. Like when I grew up, I was watching the films, I was seeing the concerts, the shows. I was always attracted to music, and I thought ki music space mein kuch na kare. That's why we thought that we launch this label together, and that's how I think we can take this legacy forward. Vicky, aapse question hai mera. Ji. Aap mujhe suna ki aapko 102 degree bukhar tha jab aap shoot kar rahe the. Ji. How challenging it was for you to perform such a brilliant dance in that song? See, I have asthma. और कोविड का साथ भी तभी चल रहा था, और मुझे डस्ट एलर्जी भी है. तो हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, मुझे लगा कि बस डस्ट एलर्जी होगी. बुखार था तो मुझे लगा क्लाइमेट चेंज के वजह से बुखार आया, क्योंकि मुझे जितना याद है बारिश भी हो रही थी. हम लोग सुबह तक शूट कर रहे थे, बहुत रात को बहुत गर्मी हो रही थी, तो मुझे लगा वेदर चेंज है. चैलेंजिंग था, बट जो मुझे लाइक आलिम ऑल्सो इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट, ही वॉज ऑन सेट
एवरी टाइम. ऐसा नहीं कि मतलब प्रोड्यूसर है पैसा लगाया तो मैं वैनिटी में चिल करूँ. ही वॉज ऑन सेट, शी वॉज ऑन सेट, एवरी वन वॉज ऑन सेट. तो ऐसे लोगों को, लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है ऑनेस्टली. बुखार खांसी सब कुछ भूल के यू नो यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट. तो मेरे लिए वो वाइब बहुत मतलब मुझे इनके वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी आई और फिर बहुत स्मूथली मैंने किया. Artists have their own space, they have their own respect, and they have a huge fan following. So we know that the trend is going towards independent music, and we want to pursue that. We want to work with new talent, and we want to promote new talent and establish big talent. जो ग्लोबली भी रहे और देसी भी रहे. और मैं एक बात बताना चाहूँगा आलिम के बारे में. जब हमने ये गाना किया तो उससे पहले आलिम को मैंने दो तीन गाने सुनाए. आप सब जानते हैं आलिम मोहम्मद भाई के लड़के हैं, तो शेर के घर में शेर ही पैदा होता है. पहली बात तो ये. तो मैंने दो तीन जब गाने सुनाए इनको, तो इन्होंने कहा नहीं दानिश भाई ये गाना नहीं, ये गाना नहीं. तो मुझे लगा कि यार अपने मयार से नीचे आ नहीं सकता, अपने मयार से नीचे आ नहीं सकता. शेर भूखा हो मगर घास खा नहीं सकता. हाँ आलिम है. हमने गाने की लाइन थी ये छोरी मार डालेगी, तो तन्मय भाई ने मुझे बोला कि दानिश भाई इसको हम करते हैं यो छोरी मार डालेगी. तो यो जो है बात इतनी सी है मगर साउंड अच्छा कर रहा है. क्योंकि जैसे मैं दिल्ली से आता हूँ तो यू नो दिल्ली लाइक हरियाणा पंजाब, तो हम बचपन से तो छोरी मीन्स लाइक जैसे हम ज़्यादा हरियाणा में इधर यूज़ करते वर्ड, तो अगर ये की जगह तो यो भी वहीं से है कि. तो मेरा बस वो एक इनपुट था कि इसमें हम ये छोरी की जगह यो छोरी करते हैं. मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं भी वहीं से आता हूँ जहाँ से ये आते हैं ना, वहीं से मैं आता हूँ. मुझे लगा थोड़ा सा मैं बॉलीवुड स्टाइल में गया, मैंने बोला ये छोरी मार डालेगी थोड़ा सा मॉडर्न में.
जब इन्होंने बोला यो छोरी मार डाली कि मैंने कहा ये तो अपने घर का ही लड़का है आप तो मजा ले लो कनेक्शन बन गया, एक वाइब बन गया और उसने बोला कि मेरे माइंड में गाना है. तो देन ही इंट्रोड्यूस मी टू प्रतीक, शिखा, आलिम और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने बोला कि इस लड़के में कुछ पोटेंशियल है. तो दो दिन बाद मेरे घर पे कॉन्ट्रैक्ट थे एंड दे साइंड मी एज एन आर्टिस्ट फॉर ग्लोबल देसी रिकॉर्ड्स. सो मैं पहली बार तो कहना चाहूँगा कि आई थैंक यू वेरी मच for believing in me, giving me the opportunity. And ये मेरा पहला शूट था चोरी का. पहली बार मैंने कमर्शियल गाना गाया और शूट वॉज अमेजिंग. आई रियली एंजॉय द एक्सपीरियंस. सो as Prateek said, we are from real estate. It's been like 15 years I'm doing real estate. So for me it's a new industry, but I always wanted to do something like that. So when we were shooting, I saw Nikki because obviously I've people say that she's got attitude, she's got ego. When I worked with her, she was there on this set all the time. She was going to the screen that how am I doing. So I loved everything about her. Tanmay has been very hardworking. Alim, and you know, we did almost everything for this song because obviously it is our first song as our label and we're also coming up with a good songs now. But I'm excited to, you know, to get into this industry and, you know, I think we'll rule it also. Yeah, well. My question is to Shikha, yes. And Prateek. How do you all come up with the name Global Desi Records? As the song name is also Chori. So we wanted to do something Desi and urban and English and everything. So I think that is the reason we all came up with the name called Global Desi. And Arun? She said a That's what we discussed at Kiya Bhaiya. That's our vision. Like, yeah. Their vision is like that only. So we want to do all the songs. Like they want dance number, romantic. We want everything. People to listen our song, and people mean masses. So Desi is that for. And but the, now we have to take the Masi song to the global. So that's a global Desi. Well, Apna V sang very well, Shikha. Nikki, you've seen her work. Tanmay has done a film with King Sariyani, the wife Lucky, Danish by his family since years, and my son Alim. So, ek bolte na, he was educated abroad. But ek desi ko jitna bhi bahar leke jaoge, usme se desi kabhi nahi nikle. So, basically, he's back. Apne padhai wadhai karke, aur hamesha music ka shauk tha, aur usko entertainment mein sirf music launch karna tha.
So that is why business partners we give you global Desi Awards. And ये ऐसा लेवल है जिसमें सिर्फ बॉलीवुड नहीं होगा, इसमें सिंगल इंडिविजुअल म्यूजिक भी होगा, इंग्लिश म्यूजिक भी होगा. आलम ने काफ़ी म्यूजिक रिलीज किया है, रैप भी किया है, और यू वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल, राइट्स वेरी वेल. एंड यू आर सीन तन्ने आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई वाइफ लक्की मदानी इज ऑल्सो प्रोड्यूसर हियर. वी हैव मदर नडियाड वाला ऑल्सो हियर फ्रॉम द नडियाड वाला फैमिली. प्लीज join us once again. Over to you. So I'd like to thank you all for coming and wishing everybody all the best, and I hope you all like the song. That is very important. Yeah. Once again. Over to you.